दिलकश दिलनिश सुबह रोशन है बेहतरीन, बरखा के साथ रंग कहकशाओं का नया जमाना नई सुबह शाम, नया अंदाज नई तरह, क्योंकि खूबसूरत है जिंदगी के रंग। नाजीन, आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा आपको जिंदगी के रंग में बहुत बहुत खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और ये ईद की मजेदार जो छुट्टियां थी, नमकीन छुट्टियां बल्कि बड़ी ढेर सारी आई, और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि ना आप लोग भी इंजॉय करते होंगे। हम लोग एटलीस्ट हमारे वर्किंग डेज में, हमारे स्कूल डेज में बड़ा इंजॉय करते थे कि अगर ईद जो है वो वीक डेज में आती, क्योंकि ईद डेज में आए तो उससे पहले वाला वीकेंड भी मिल जाता है, उसके बाद वाला वीकेंड भी मिल जाता है, तो लंबी छुट्टियां होती है। लेकिन अगर इस तरह से हमारा कोई ओकेजन वीकेंड पे आ जाए ऑलरेडी, तो बड़ा दुख होता है कि हमारी डबल छुट्टियां मारी गई। तो लेकिन आपने बहुत इंजॉय किया होगा, क्योंकि इस दफा अच्छी खासी खाली वीकेंड ही नहीं था, बल्कि इससे पहले भी जो लोग काम कर रहे होते हैं, आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है, वो लोग छुट्टी कर जाते हैं। और ये हमारी ईद में ये भी खास बात है कि जी हम लोग खाली वो दो या तीन दिन की नहीं मनाते, बल्कि उसके बाद ख्वाबों का सिलसिला जारी हो जाता है, क्योंकि तीन दिन में आप हर एक के घर नहीं जा सकते, हर एक के घर दावत अटेंड नहीं कर सकते, प्लस वी हैड द वीकेंड एज वेल। सो कितने इन्विटेशंस हमें भी चल रहे थे, मैंने तो खैर बहुत ख्याल रखा कि ना ज्यादा खाऊं, ना एक्स्ट्रा खाऊं, ना ज्यादा दावतों पे जाऊं, क्योंकि अगर आप जाते हैं ना तो फिर आप मजबूरन कुछ ना कुछ चखते चखाते कर ही जाते हैं, ओवर ईटिंग, और उसके बाद फिर अनलिमिटेड आपका चल रहा होता है। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी और फिर आपने कितना इंजॉय किया, कितना खाया पिया और कितना बांटा, जो कि सबसे जरूरी है कि आपने दूसरों का कितना ख्याल रखा इस ईद के ऊपर, और उसके साथ साथ सफाई का कितना ख्याल रखा, इस बारे में भी हम आपसे पूछेंगे, आपकी कॉल्स के ऊपर पूछेंगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा हम खा बैठे हैं अब उसका क्या करें, अब सब जगहों पर टेंशन चल रही हैं। इसके साथ मैंने ये देखा कि हमेशा से जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं ईद में जब एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग कर जाते हैं, और क्योंकि बड़े स्पाइसी बारबेक्यूज और खाने चल रहे होते हैं, उसके बाद जो पेप्टिक इश्यूज चल रहे होते हैं, मेदे का जो दर्द होता है, चाहे वो एक्स्ट्रा स्पाइसी खाने से हो या ओवर ईटिंग की वजह से हो, सो वो लोग आते हैं ज्यादातर इन प्रॉब्लम्स के साथ। और उसके अलावा फिर मीट इनटेक जिन लोगों का ऑलरेडी ज्यादा होता है, अगर उनको कोई थोड़ा सा किडनीज का प्रॉब्लम हो तो जाहिर बात है एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने से आपका किडनीज भी इशू आते हैं, आपकी हाइड्रेशन अच्छी पीना साथ रह रही हो। और उसके अलावा हमारे जो लोग हैं जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है, एंड देन दे टेक द रेड मीट, अगर आप बीफ भी खा रहे हैं और फिर ऊंट भी खा रहे हैं, फिर बकरा भी खा रहे हैं, तो बड़े चीजें प्रॉब्लम जो है वो एग्जैजरेट कर जाती है। सारा साल के बाद कहते हैं कि यही तो एक मौका है, कोई बात नहीं, हम एक्स्ट्रा कभी कभी खा लेते हैं, लेकिन बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं ये। तो मैंने बींग अ डॉक्टर इन द इमरजेंसी, हमारे पास मेजॉरिटी पेशेंट्स की ये हो जाती है। क्या जिम में भी आप लोग जाते हैं, क्या उसको बर्न करते हैं? रहमान से भी अभी आप हम चलते हैं उनके पास और उनसे पूछते हैं, क्या उनके पास ऐसे कोई क्लाइंट्स, ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो पोस्ट ईद इन प्रॉब्लम्स के साथ रहते हैं, या फिर ये कि जो एक्स्ट्रा हम वेट गेन कर चुके हैं उसको किस तरह से बर्न किया जाए? सो आइए चलते हैं रहमान के पास। जी अस्सलाम वालेकुम रहमान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? आपकी ईद कैसे गुजरी? पहले तो बहुत अच्छी गुजरी, और वैसे मैंने कम खाया है, हाँ मैंने बहुत है लेकिन कम खाया मैंने। नहीं, आप तो छुट्टियों पे जाने से पहले ये पक्का होके गए थे कि नहीं ईद आ रही है तो मैं तो फुल खाने जा रहा हूं। यस, खाया था लेकिन कम खाया था, एवरेज खाया था मैंने। चले दैट इज गुड। लेकिन जिस समय आज आप सवाल पूछा, पहले तो ये बताइए, बहुत अच्छी आपने बातें की और जो इश्यूज बताए ऐसे मैंने देखे, और आज जब जिम जाऊंगा पता चलेगा लोगों की लिस्ट काफी होगी, जी रहमान ये हो गया वो हो गया, तो उन्होंने ज्यादा खाया। अच्छा, अब खाया है तो हमें अब बर्निंग, क्योंकि बहुत खा लिया, बहुत हॉलीडेज हो गई, अब हमने बर्न करना है। और बर्न करने में ऐप सर्किट ट्रेनिंग बताऊंगा। ऐप सर्किट ट्रेनिंग ऐसी कि इसमें आपने ब्रेक नहीं लेनी, ब्रेक बिल्कुल नहीं लेनी। सिक्स एक्सरसाइजेज होंगी, सिक्स एक्सरसाइज एक सर्कल में हमने करनी है। चले आए, आप कुछ बर्न कर लें और उसके साथ साथ मैं आपसे बातें करता हूं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने करनी है, मैट आपको चाहिए, क्योंकि मैट नहीं है तो फ्लोर पे भी चलेगा, अगर तो कमर पे प्रेशर आता है तो फिर योगा मैट आपको चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं वार्म अप, आपने करना है एक से दो मिनट का, पांच मिनट का हो अच्छा है। ओके, नॉर्मल क्रंचेस सर्कल ट्रेनिंग में, इसमें ब्रेक नहीं आएगी। 1 2 3 10 रैप्स फौरन आपने करने, फिर उसके बाद आपने फौरन स्विच करना सेकंड एंगल, सेकंड एक्सरसाइज 90 डिग्री लेग अप, देन क्रंचेस 10 रैप्स 20 नो ब्रेक, फिर उसके बाद लेग स्ट्रेट करनी है, देन
two, three, 10 reps, three angles. उसके बाद आपने लेग क्रॉस, ये ब्रेक के बिना आपने ट्रेनिंग करनी है. अब खाया है तो आ जाए आप बर्निंग की तरफ. 1, 2, 3, 4 हो गया. 4 में 40 रैप्स आपके बनेगा, 10 ईच आपका बनेगा. फिर उसके बाद आपने फिफ्थ को माउंटेन क्लाइंबिंग करना है, लेकिन स्पीड के साथ करना है. अपर बॉडी आपके स्टिफ हो, बेली स्टिफ हो, लोअर पोर्शन को आपने मूव करना है. ओके, स्पीड से जैसे आप रनिंग करते हो. 1, 2, 3, 4 लाइक दिस स्पीड. 30 काउंटिंग करने, 15 ईच साइड. स्पीड से आपने ये करना है. 4 एक्सरसाइज बताई इससे पहले आपका वार्म अप. अब लास्ट जो एक्सरसाइज है वो है प्लैंक. अब खाया बॉडी तो थोड़ा स्टेमिना भी आउट हुआ होगा, लेकिन एक दो ट्रेनिंग के बाद सब ठीक हो जाएगा. प्लैंक आपने करना है मिनिमम 1 मिनट का, इससे कम आपने नहीं करना. टाइम नोट करें स्टॉप वॉच पे, मोबाइल पे होगा, आप उसको करना है. हिप अप नहीं करनी, बॉडी लेवल बिल्कुल आपका स्ट्रेट हो, स्टिफ हो, पांव जितने आप पीछे लेके जा सकते हैं. बॉडी को स्टिफ करें, होल्ड करें. थोड़ी सी शिवरिंग होगी, ऐसे लगेगा कि जैसे अभी गिर गए, अभी कुछ हो गया. तो खाना कम था ना. तो ये आप करें, क्योंकि स्टैमिना थोड़ा सा आउट होगा, क्योंकि 4 to 5 days हॉलीडेज चली हैं, सारा कुछ. तो एक दो ट्रेनिंग के बाद लेवल अप हो जाएगा. सो इसको आप करें, मुझे बताएं, इंशाल्लाह बर्निंग ज्यादा होगी. दुआओं में याद रखें, खुश रहें, फिट रहें और मुझे फीडबैक देते रहें. थैंक यू सो मच रहमान. बल्कि भी जो लास्ट आप बता रहे थे ना, हालांकि देखने में बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन इट बर्न्स अ लॉट ऑफ कैलोरीज. बिकॉज एट द डे आई वाज आस्किंग माय ब्रदर कि बिकॉज वो मेरे से छोटा है, तो मैंने कहा कि नहीं मोहम्मद तुम्हारा पेट निकल रहा है, स्टार्ट डूइंग दिस ना. मैंने उसको सिंपल, मैंने कहा कि चलो हिले बगैर आसान है आज के आवाम के लिए कि तुम ये स्टार्ट करो. एंड आफ्टर लाइक आई थिंक हार्डली अ कपल ऑफ मिनट्स, ही वाज लाइक या आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट्स नो ही हैड द स्टैमिना. ही वाज लाइक नो आई एम एग्जॉस्टेड, व्हाट आर यू मेकिंग मी डू. बट लाइक नहीं, इसी से होगा, जो भी होगा तुमने यही करना है. एनीवेज हम लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं. जिन लोगों ने एक्स्ट्रा खा लिया, खा पी लिया, उनके लिए तो ये था, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको एक्चुअली वाकई में चाहिए होता है एक्स्ट्रा मील्स. और क्योंकि हम लोग आजकल, हमने कहा दावतें भी चल रही हैं, तो दावतों में हर जगह पर एक ही मेन्यू, एक ही चीजें चल रही होती है. कुछ डिफरेंस हमें चाहिए होता है कि क्या चीज नया हो, क्या नया अंदाज हो, तो वो चीजें भी बताना साथ साथ जरूरी है. कि भाई किचन तो हमारा चलता ही रहेगा, तो हम चलते हैं अब हमारे ऑप्शंस किचन में. और तैयबा के पास चल के पूछती हूँ कि क्या ऐसे आज हमारे मेहमानों के लिए नया और डिफरेंट बना रही है, जो कि उन्होंने अपना यूजुअल रेगुलर आजकल ईद के दिनों में नहीं खा रहे. जी रही बात, सलाम अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आज हमारे मेहमानों के लिए क्या पक रहा है? आज मैं बनाऊंगी शनवारी कढ़ाई. शनवारी कढ़ाई, वेरी सिंपल, बड़े सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनती है. बहुत ज्यादा सिंपल. ऑप्शन ऑप्शन में तो वैसे ही आपको पता है कि वैसे ही हर चीज बड़े टेस्टी होती है. तो मैं इसके साथ साथ आपको बता दूं कि बहुत थोड़ी चीजों में आप शनवारी कढ़ाई बना सकते हैं. उसके लिए मेरे पास चिकन मौजूद है, लेकिन आपके पास, आपके घरों में, फ्रिज में बीफ और मटन मौजूद होगा, आप उसमें ये बना सकते हैं. तो मेरे पास ऑयल मौजूद है, मेरे पास बटर है, इसके अलावा मेरे पास जिंजर है, इसके अलावा मेरे पास सॉल्ट है, हरी मिर्च है, और ये मैं हरा धनिया सिर्फ गार्निश के लिए यूज़ करूँगी, और टमाटर है. तो ये तो हर घर में और हर फ्रिज में मौजूद होती हैं ये चीज़ें. तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल डालना है, इसके अलावा मैंने बटर डाल देना है, बटर डाल के थोड़ा सा मैंने नमक डालना है, ताकि मेरा चिकन, बीफ या मटन वो नीचे लगे ना या टूटे ना, ये इस चीज़ के लिए बड़ा ज़रूरी होता है. इसके अलावा मैंने इसको चॉप करके डाल देना है, हरी मिर्च को, और टमाटर साथ डाल देना है, चिकन ऐड कर देना है ऑयल के अंदर. सबसे पहले मैंने नमक डाल के, इसके अलावा जिंजर जो मैंने पेस्ट किया हुआ है वो डालकर, फिर मैंने इसके अंदर चिकन जो है मेरे पास वो डाल दूंगी, उसको थोड़ा सा सौते करूंगी. सौते करने के बाद मैंने टमाटर डाल देना है और फिर हरी मिर्च डाल देनी है. इस जब वो पानी छोड़ने लगे तो उसको थोड़ा सा और पकाने के बाद मैंने उसको दम पे रख देना है, और बाद में हमारी शनवारी कढ़ाई तैयार रेडी हो जाएगी. और उसके साथ हमारी टेबल पर रौनक नहीं आती अगर कोई ड्रिंक ना हो. ड्रिंक बिल्कुल, पाइनएप्पल मैं ड्रिंक बनाऊंगी, और पाइनएप्पल ड्रिंक के लिए मेरे पास पाइनएप्पल स्लाइस हैं, और उसमें मैंने पानी ऐड कर देना है, उसके अंदर मैंने शुगर ऐड कर देनी है, और आइस क्यूब
ऐड करके सबको ब्लेंड इकट्ठा कर देना है और ये सर्व कर दूंगी। जबरदस्त हो गया है ना, हमारी टेबल पे रौनक नहीं आती। लेकिन जहां हम इतनी ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं, हम ओवर ईटिंग की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे किचन में ये पक रहा है, जो लोग खाई पे खाई जा रहे हैं वो बर्न कर रहे हैं, लेकिन जिससे भी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बात की, शेयरिंग की, कि आप लोगों ने क्या इस ईद के ऊपर दूसरों का ख्याल रखा या नहीं रखा, क्योंकि बड़ा कॉमन है हमारे इस्लाम में, हमारे रिलीजन के अंदर ऐसे कुछ इवेंट्स आते हैं, ऐसे कुछ हमारे खाने पीने में, हमारे जो हम कमा रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, हर एक के अंदर उन लोगों का हिस्सा रख दिया गया है जो कि डिजर्व करते हैं, जो कि नहीं उनके पास इतने वसाइल के हमारे थ्रू उन तक पहुंचना है, लेकिन वो लोग मांगते भी नहीं है। सो कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ लोगों तक पहुंच जाता है, कुछ में नहीं पहुंचता, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जब उन तक वो नहीं पहुंच पा रहा होता, या वो उतना नहीं कमा रहे होते, या कभी कभी किसी के लिए वो चीज एक्सेप्ट करना, वो लेना भी बहुत तकलीफ देह होती है, तो कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने सबको बराबर नहीं रखा, कुछ कम है, कुछ ज्यादा है, कि घर में लोग बराबर नहीं होते, कि रिश्तेदारों में लोग एक जैसे नहीं होते, तो वहां से क्या इश्यूज होते हैं कि लोगों के अंदर वो एक एहसास है कमतरी, स्पेशली अगर हम आजकल की यंग जनरेशन को देखें, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हमारे मीडिया आजकल इतना ज्यादा दिखा रहा है, इतना शो ऑफ कर रहा है, चाहे वो आपके पहनना ओढ़ना है, आपका खाना पीना है, आपका घूमना फिरना है, आपका मेकअप है, आपका एक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत पॉश किस्म का दिखाया जाता है, जबकि हमारी 70-60-50% जो आवाम है वो इतनी नहीं है जो कि अफोर्ड कर सके। तो वहां पर प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं कि जब यंग स्पेशली यूथ की बात किया जाए, एक कॉलेज में इकट्ठे पढ़े, स्कूल में इकट्ठे पढ़े, माँ बाप जैसे तैसे करके फीसें देके उस हाई लेवल की अच्छी क्वालिटी तक पहुंचा तो देते हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज हमारे अंदर या हमारी नेचर में शामिल है कि हम अपने पास जो नेमतें मौजूद हैं उनको नहीं देखते, उनको नहीं काउंट करते, बल्कि उनको कंपेयर करते हैं फ्रॉम द अदर पर्सन जिसके पास ज्यादा है, उससे हमारे अंदर एक एहसास कमतरी आती है जो कि बड़ी सारी बुराइयों में लेके जाती है, चाहे हम किसी से जेलस होकर उसके लिए बुरा सोचने लग जाए, या कुछ ना कुछ गलत करके, ओवर एक्टिविटी करके हम एक्स्ट्रा हासिल करना चाहें, मतलब बहुत सी बुराइयां जन्म लेती हैं। तो उस टॉपिक पे बात करेंगे कि एक्चुअली एहसास कमतरी क्या है, ये हमारे अंदर खुद पैदा होती है, कोई हमारे इर्द गिर्द नेगेटिव लोग एहसास दिलाते हैं, इसको ओवरकम कैसे किया जाए और अच्छे पॉजिटिव तरीके से कैसे किया जाए, किसी को नुकसान पहुंचाने के बाद नहीं, उस पर बात करने के लिए हमारे आज गेस्ट पैनल पे जो मौजूद है रिलीजियस स्कॉलर हैं, बहुत जबरदस्त लिखते हैं, और आज हम उनसे यही इसीलिए पूछेंगे कि पॉजिटिव एस्पेक्ट चाहे वो हमारे यहाँ पर है या हमारे पास जो इनकम आ रही है उसमें मसला है, कि प्रॉब्लम कहाँ आता है, इसको कैसे हम सॉल्व करें, कैसे रिजॉल्व करें, तो सबसे पहले बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत खुश आमदीद कहती हूँ आपको जिंदगी के रंग में, और आज बात कर रही हूँ मैं जिंदगी के रंगों की, तो उन लोगों को जिनको कहीं ना कहीं से कोई फेक जो है डलनेस आ चुकी है उनकी जिंदगी के रंगों में, उनको वापस कैसे लेकर आए, कि या सोच में है, या बहुत सारे सवाल अभी हम बात करेंगे, और इसमें बात करने के लिए फिर हम लोग राबता करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं कि ये काम करने जा रहे हैं, क्या ये सही होगा या नहीं होगा, कितना ज्यादा रिलाय करते हैं, कितना ज्यादा ये एक्चुअली इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ में, या एस्ट्रोलॉजी है क्या, उस पर बात करने के लिए जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, माशाल्लाह 6 किताबें लिख चुके हैं और बड़ा जबरदस्त अपना काम कर रहे हैं अपनी फील्ड के अंदर, लोगों को हेल्प आउट भी करते हैं, किस तरह से करते हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं मुअज्जम खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत खुश आमदीद कहती हूँ, और आज का क्योंकि जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में भी थोड़ा सा पूछूंगी। मेरा ख्याल है कि ज्यादातर जो लोग हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो अपनी लाइफ अपने स्टेटस से कंटेंटेड हैं, कोई जो है ना अपनी एक अंदर बेचैनी एक इस तरह भी हर एक के अंदर मौजूद है, तो ये एहसास कमतरी एक्चुअली क्या चीज है, कहाँ से आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। बड़ा पाकिस्तान की जो आबादी है इस वक्त 60% आबादी नौजवान नस्ल के ऊपर मुश्तमिल है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि जिस मुल्क की आबादी जिस तरह की ज्यादा होगी, ज्यादा उसी के ऊपर काम होना चाहिए। हमारी सोसाइटी जो नौजवान नस्ल है उसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो मैं ये समझता हूँ कि वो हसद तो करते हैं, रश्क नहीं करते। बिल्कुल। अगर वो रश्क करें और इस तरह देखें कि जो मुझसे बेहतर है, जो उससे बेहतर है, जो बनना चाहते हैं, उसकी टाइमिंग क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, वो कितनी मेहनत करता है और वो किस तरह उस जैसी मेहनत करके आगे बढ़ सकता है। हमारी सोसाइटी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो ये है कि करने को दिल को ही नहीं चाहता, सोने को दिल करता है कि 12 घंटे सो जाऊं मैं, और काम के वक्त 2-3 घंटे काम करने का इनका इरादा होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बड़े प्यारे साहबी इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तिर्मिज़ी शरीफ की रवायत है, आप फरमाते हैं कि
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت اس وقت تک کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہٹے گی، پانچ سوال کیے جائیں گے، اس میں پانچ سوالوں میں سے ایک اہم سوال یہ ہے جو نوجوان نسل سے بروز قیامت کیا جائے گا کہ اے میرے نوجوان، اللہ پوچھے گا کہ اے نوجوان اب بتا، جب میں نے تجھے جوانی دی تھی تو تو نے کس طرح خرچ کی تھی، یعنی اس جوانی کو آپ نے غلط کاموں میں بروئے کار لائے تھے یا اچھے کاموں میں آپ نے اس کو بہتر کیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا سوال ہونا ہے، اور جوانی کا زیادہ ہونا ہے، جوانی کا جو ایک ہوتا ہے مزہ سجدہ کرنے کا، عمرہ کرنے کا، حج کرنے کا، جو طاقت کا ایک نشہ ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ اور جو نوجوان نسل اپنی جوانی کو بچا لیتی ہے، یعنی کہ جو نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ ہم 40 سال کے بعد ایسی زندگی لیوش قسم کی گزاریں کہ اس لیوش زندگی میں لوگ ان کے اشارے پہ چلیں، یعنی کہ وہ لوگوں کے کام آئیں ترقی یافتہ اقوام میں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 40 سال کی ایج تک، 40 سال کی ایج تک وہ نوجوان نسل، میں ان کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ بھی 18 گھنٹے 16 گھنٹے کام کریں۔ بالکل، کیونکہ جیسے ہم ہر چیز کی، ہر دنیا کی ہر چیز کی جو بیسٹ پیک ٹائم ہوتا ہے، اگر ہم کوئی بھی اپنی لائف میں اگزامپل لے لیں، سو انسانوں کے لیے، ہیومن بینگس کے لیے بھی جو ہمارا یوتھ کا پیریڈ ہے، یہ سب سے انرجیٹک، سب سے اسٹرانگ، سب سے خوبصورت ہے، اور اس کو اگر ہم کسی اچھے عمل میں لگائیں، اس کے دوران گزاریں، تو نہ آپ کو آگے جا کے کبھی کوئی پچھتاوا ہوگا، اور آگے سے آپ کی اگلی زندگی، آپ کی اگلی کوالٹی بھی سنورے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم کالز کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ لے رہے ہیں۔ مجاہد کال کر رہے ہیں ہمیں لاہور سے۔ جی السلام علیکم مجاہد۔ وعلیکم السلام میم، کیا حال ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں ہم، آپ کیسے ہیں؟ آپ کی عید کیسی گزری؟ اور آج ہم بات کر رہے ہیں انفیریورٹی کمپلیکس کے اوپر، احساس کمزوری کے اوپر۔ کوئی سوال کرنا چاہیں گے آپ ہمارے گیسٹ سے؟ میں نے اپنی جاب کے بارے میں پوچھا تھا، پوچھنا ہے کہ وہ کسٹم میں میں نے اپلائی کیا ہے، اللہ سب نواز یہ کر دے گا میرے اوپر؟ کیا سوال؟ ڈیٹ آف برتھ؟ ٹھیک ہے، آپ نے جاب کہہ رہے ہیں کہ، اچھا معظم خان صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہیں یہ چاہیے ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ ہمیں بتائیں۔ اچھا مجھے اپنی ڈیٹ آف برتھ بتا دیجیے۔ 1 ستمبر 1992 ہے۔ 1 ستمبر 1992 ہے، اور آپ کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ میں لاہور میں پیدا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی سوال خان صاحب؟ اوکے، تھینک یو سو مچ فار کالنگ مجاہد۔ اور باقی جو جنہوں نے ابھی ٹیون ان کیا ان کو بھی بتاتی چلوں کہ آپ لائیو کال کر سکتے ہیں اس وقت ہمارے شو میں، اور آپ کے جتنی کوئریز ہیں، جتنے ایشوز ہیں، جتنے پرابلمس ہیں، ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ سو ہی سیڈ ہی جسٹ اپلائیڈ فار اے جاب اینڈ ہی وانٹس ٹو نو اباؤٹ دی جاب، اباؤٹ ہز فیوچر۔ ایسٹرولوجی میں ایک فیز آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں 1989 90 91 92 93۔ اوکے، یہ سارے فیز میں پلانیٹری کنڈیشن بہت بہتر تھی۔ ٹھیک ہے، اور یہ سارے کے سارے ہی لوگ سروسز کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے؟ جب سے اگر ان کی، اگر جو بھائی صاحب نے اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائی ہے، اگر ان کو آپ پریویس ان کا خود سے ان سے پوچھ لیں، تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ جو پچھلے آلموسٹ 1.5 سے لے کر 2 سال کا سارا ٹائم ہے، اس میں ان کو مینٹل، جسے ہم کہتے ہیں سٹریسز، کافی تھے۔ اس کے علاوہ ان کی ڈومیسٹک لائف، جو گھر کے معاملات ہیں، اور اس کے ساتھ فائنینشیل کنڈیشن بہت زیادہ امپروو نہیں تھیں۔ اب یہ پچھلے چند ایک مہینوں سے یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ انہیں جاب ملے۔ انہیں یہ بات یاد رکھنا کہ چاہیے کہ انہیں جاب ضرور مل جائے گی، مگر ان کی جاب، ان کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے سپٹمبر شروع ہو رہا ہے، سپٹمبر کے بعد ملے گی، اور وہ بھی کسی کے ریفرنس سے ملے گی۔ ان کے اپنے کریڈینشلز پر ان کو جاب ملنے کے چانسز نہیں، اس لیے یہ کوشش کریں کہ ایک تو سروسز میں ہی رہیں۔ سروسز ہم جب کہتے ہیں تو ہم اسے بزنس سے الگ کرتے ہیں۔ بزنس ہوتا ہے انڈسٹری، فیکٹری، مینوفیکچرنگ، پروڈکشن اینڈ انڈیویجول انویسٹمنٹس۔ ان سے یہ پورے طریقے سے باہر رہیں، اور یہ سروسز کریں، سروسز میں ہی ہوگا، مگر ان کا الٹیمیٹ ٹائم جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا بھی 2 سال کے بعد، 2021 would be the turning point of his life. انشاءاللہ، but you should keep trying. آپ کو کوشش کرتے رہنے چاہیے اور کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ہمیرا بات کر رہی ہیں ساہیوال سے۔ السلام علیکم ہمیرا۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر ربا، خیریت سے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں ہمیرا، آپ کیسی ہیں؟ آپ کا شو کیسا لگ رہا ہے اور کیا سوال کرنا چاہیں؟ بہت اچھا آپ کا شو ہے، اور ماشاء اللہ سے اتنے عرصے کے بعد آپ آئی ہیں، عید سے پہلے آپ آ گئی تھی مگر میں نے آج ٹیون آن کیا تو مجھے بہت اچھا لگا، ویلکم بیک کہیں گے آپ کو۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ اور میں آپ کے جو گیسٹ آئے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، پہلے تو میں جو آپ کے گیسٹ ہیں ایسٹرالوجر صاحب، ان سے اپنی شادی کا پتہ چاہوں گی۔ میری تاریخ پیدائش ہے 5/4/1983۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ رات 8:15 بجے میں سائی وارڈ میں پیدا ہوئی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، شادی کا بتا دیں گے کب تک ہوگی، کیسی گزرے گی،
और जो आपके साथ जो जियाउल हक नक्शबंदी साहब आए उनसे पूछना चाहूंगी ये हासिदीन के हसद से बचने के लिए कोई कुछ पढ़ने को बताएं और सदका वगैरह बताएं, दोनों जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमैरा कॉल करने के लिए, बहुत अच्छा मुझे लगा। हमारे पास इतना टाइम है कि हम ब्रेक से पहले जवाब ले रहे हैं या ब्रेक के बाद लेंगे? ठीक है, हम ब्रेक के बाद आपके सवाल का जवाब लेंगे, तो आप शो देखते रहिए और इंशाल्लाह दोनों से आपके सवाल का जवाब देते हैं। नाज़रीन जिंदगी के रंग में वेलकम बैक कहते हैं आपको, और हम लोग ब्रेक पे जाने से बात कर रहे थे कि हमारा जो यंग जनरेशन है उसके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, एहसास कमतरी का आजकल बहुत ज्यादा जो है एहसास लोगों के अंदर है, जो कि उनको गलत कामों पर भी उकसा रहा है, उनको अपने से चले एक्स्ट्रा काम करके, एक्स्ट्रा अपने आप को रुइन करके, अपनी फैमिली को इग्नोर करके आगे बढ़ने की तरफ पहुंचा रहा है। हमारे ब्रेक से पहले एक क्वेश्चन भी पेंडिंग था हमारी कॉलर का, लेकिन उसके साथ साथ आपको बताती चलूं, हमें हमारे ब्रेक में ज्वाइन किया हमारे बहुत ही मोहतरम गेस्ट हैं, पहले भी हमारे पास बहुत दफा आ चुके हैं और आप यकीनन उनके, आपके सबके बहुत फेवरेट हैं, आप उनकी एस्ट्रोलॉजी बहुत शौक से पढ़ते हैं, जो वो प्रेडिक्शंस करते हैं आपके लिए। हमारे साथ आज मौजूद है यासीन बट्टू साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ जिंदगी के रंग में, और आपने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है। बड़े हमारे जो व्यूज भी हैं, देख रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, उनके बड़े क्वेश्चंस पेंडिंग चल रहे हैं उनकी जिंदगी में, क्योंकि हर एक की जिंदगी में आई थिंक हर वक्त कोई ना कोई अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, कोई ना कोई उतार चढ़ाव आ रहा होता है। सो वो उसको अपने तौर पर तो मेहनत कर ही रहे होते हैं, सोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एक होप जिसे कहते हैं ना कि होप के तौर पर कोई तसल्ली, कोई दिलासा चाहिए होता है उनको इन एडिशन टू दैट। सो हमारे पास कॉलर थी पहले जो कि बात करी थी, सवाल करी थी आपसे कि वो उनका जो सन साइन जो है उनका एरीज है। बिल्कुल, अगर आप उनकी प्रीवियस लाइफ देखें तो एक साल पहले या 10-11 महीने पहले उनकी ऑलमोस्ट शादी के मामला तय हो रहे थे। अच्छा। फिर उसके बाद से ड्रॉप हुए हैं, तो अभी ये जो नया साल चढ़ेगा इसके दोबारा ऐसे यहाँ जाकर, मैं समझता हूँ ये उनकी जिंदगी का पहला वो साल होगा जहाँ पर उन्हें ये लगेगा कि अब मेरी जिंदगी उस ट्रैक पर आई है जहाँ पर मुझे चलना चाहिए। क्योंकि पिछले साल में सारी चीजें बिल्कुल जिसम कहते हैं ना कि टॉपल्ड हो गई थी, बिल्कुल ऑफ हो गई थी, और ये नई जिंदगी उनकी शुरू हो रही है, और इन मुबारकों की जिंदगी इंशाल्लाह बेहतर, इंशाल्लाह एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सारी दुआएं और प्यार और उम्मीदें आपके लिए हुमैरा। और उससे पहले वो बात कर रही थी कि कोई हासिदीन से बचने के लिए, अगर कोई देखिए जो हासिदीन होते हैं इनसे बचने का जो बेहतरीन तरीका ये है कि ऐसे लोगों से अपनी खुशियां शेयर ना करें जिनसे उनको तकलीफ पहुंचती हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ताक में बैठे होते हैं, जिन्होंने फोकस ताक वालों से बचने के लिए ये है कि एक तो होते हैं जो खुशी में देखते हैं, एक दो बुरी नजर से, नगाह बद से देखते हैं, उनसे बचने के लिए जो बेहतरीन तरीका ये है कि हर नमाज के बाद अगर कम अज कम 15 बार तीसरा कलमा पढ़ लिया जाए तो हमेशा हमेशा के लिए नजर बद से बचा जा सकता है इंशाल्लाह। और सर हाँ जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। कुरान पाक की सूरत अल कलम उस 12-32 उसकी आखिरी दो आयात है, वहीं यकादुल्लज़ीना काफरू लयुज़लिकूना को आप सारे लम्मा समु ज़िक्रा व यकूर रूरन मजनून हुमा विल्लज़िकुल आलमीन। ये 7 बार सुबह 7 बार शाम को पढ़ लें, जादू टोना जज़रे बद हसद वगैरह ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। 7 दफ़ा सुबह साबदाशा बच्चे को पढ़ के फूंक दें या वो खुद पढ़ ले, जो भी पढ़ने जानते हैं ये याद है सूरह कलम 12-32 वो की आखिरी दुआएं मेरा यकीनन देख रही होंगी और गौर से सुन रही होंगी और साथ में नोट डाउन भी करेंगे, और बल्कि जात में जो लोग और भी देख रहे हैं, ये चीजें बड़ी जरूरी हैं हमारी जिंदगी में, क्योंकि कोई ना कोई इंसान की नेचर के अंदर कभी ना कभी फितूर आ ही जाता है। सो लोगों से बचने के लिए या तमाम जितने हमारे इर्द गिर्द लिविंग क्रिएचर्स हैं, तमाम फीचर्स से बचने के लिए। सो हमारे पास यहाँ पे नवाज अहमद बात कर रहे हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम नवाज साहब। वालेकुम सलाम जी, मैं सरफराज नवाज अहमद बात कर रहा हूँ। मैं पूछना चाह रहा था कि मुझे बाहर का काम मिल रहा है ओमान के लिए, मुझे जाना चाहिए या जिधर जॉब कर रहा हूँ वही सही है? ठीक है, अच्छा आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 16 मई 1982। 16 मई 1982, ठीक है। और आपकी जाये पैदाइश कौन से शहर में पैदा हुए हैं जी? किस शहर में पैदा हुए थे? मैं लाहौर में। लाहौर में पैदा हुए थे, ठीक है। थैंक यू सो मच। वो कह रहे हैं कि उनको वीजा के लिए जो है
वो वीजा मिल रहा है जॉब के लिए रोमान में, तो ही इज बिट कॉन्शियस के इनको जानने के लिए। जब ये पैदा हुए थे ना तो 1982 में सैटर्न की पोजीशन बहुत अच्छी थी, एग्जॉल्टेड था उस वक्त, तो ये बिल्कुल सेगिटेरियस, उसके बाद लिब्रा स्कॉर्पियो सेगिटेरियस, इन्हें ये दिसंबर से चांस लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है ये 2019 जब स्टार्ट होगा एस्ट्रोलॉजिकली, इस साल अक्टूबर नवंबर 2018 से स्टार्ट होगा 2019, तो यहाँ से इनका फेस शुरू होगा। ये साल इनके लिए काफी ज्यादा चांसेस है कि ये ट्रैवलिंग करें और अपने करियर को एलिवेट करें इंशाल्लाह। सो ये कुछ छोटी टिप्स होती हैं, अगर आप ले लें तो ये आपको इनहेंस करती हैं आपकी करियर के अंदर। सो मेरा ख्याल है हम लोग, क्योंकि ऑलमोस्ट अब शो का टाइम खत्म होने जा रहा है, सो मैं सबसे मैसेज जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि आज मैं बात कर रही हूँ एहसास से कम करी जिन लोगों के अंदर मौजूद है, जो होती है उसको किस तरह अवॉइड किया जाए, या अपने अंदर वो जो एक सेटिस्फेक्शन है, कंटेंटमेंट की फीलिंग है, वो सोच से आएगी, वो किसी काम में लगने से आएगी, कैसे आएगी? देखिए बात यह है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब मैं किसी नौजवान को देखता हूँ, जिस तरह हमारे भाई हैं माशाल्लाह, तो मैं बहुत खुश होता हूँ, लेकिन जब मुझे पता यह चलता है कि बेरोजगार है तो मुझे बहुत दुख होता है। यानी कि मतलब यह है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और छोटा सा फार्मूला है कि जो भी बंदा प्रेशर में है, परेशान है, मायूस है, वो अपने गली महल्ले में देखे, यानी कि कायद आजम को, अलामा अख्तर, बड़ी शख्सियात को देखे, कि जब कायद आजम, अलामा अकबर जितने हमारे हीरो हैं, जब ये लोग पैदा हुए थे तो उन दिनों में कुछ और लोग भी पैदा हुए होंगे। आज कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, अलामा अकबर जितनी बड़ी शख्सियात है, उनका नाम ही बड़ा क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि उन लोगों ने मेहनत की है, आगे बढ़े हैं। देखे जिंदगी का पहिया चलाने के लिए 8 घंटे काम काफी है, लेकिन जिंदगी कामयाब चलाने के लिए 16 से 18 घंटे काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम मसाइल से निकल सकते हैं। बिल्कुल जी, जी खान साहब। मैं और तरीके से सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं, अगर पेरेंट्स उनकी प्रॉपर मेंटल ग्रोथ, अगर उनको प्रॉपर टाइम दें, उन पर वक्त लगाएं, उनको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग करें, तो उनमें काफ़ी सारी ये जो चीज़ें हैं ये कम हो जाएंगी। इसका दूसरा फैक्टर है पॉवर्टी। जब पॉवर्टी उन डेफिशिएंसी के साथ मिलती है तो फिर ये सारी चीजें बिल्कुल करती है, और लोगों का जो है कॉन्फिडेंस भी शटर होता है, बड़े पॉवर्टी के फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। पॉवर्टी और एजुकेशन या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये दोनों चीजें जब आपके पास नहीं होंगी तो आप इसी में रहेंगे। इसीलिए मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में अब जो चेंज आई है, अगर पाकिस्तान में लोगों को एक पूरी तरीके से खुराक मिलनी शुरू हो और वो मेंटली तौर पर थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करें और पेट उनका भरा हुआ हो, तो ये चीजें इस तरह से खत्म, बहुत जरूरी चीज है। जी सर, आपसे जाते जाते हैं मैसेज, अगर इसी टॉपिक पे लेना चाहूँ। यही असल मामला ये है कि एहसास कमतरी जो है ना, वो उसमें जो महरूमी होती है उसमें बहुत बड़ा हाथ है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बाप के 3-4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं जितने भी हैं, तो ये उनको चाहिए कि उनको इक्वली उनको ट्रीट करें। आम तो होते हैं पेरेंट्स जो है ना, एक बच्चे को ज्यादा अहमियत देते हैं, दूसरे को अहमियत नहीं देते। बिल्कुल। और इसे एक आदमी की बच्चे की तारीफ कर दी, एक एक आदमी तो कुछ करता तो नालायक, करेगा कुछ नहीं, ये आमतौर से घरों में देखा होगा। साइकोलॉजिकल प्रेशर। हाँ, इसी तरह ये वो इसीलिए एहसास से कमतरी एक तो खुद क्रिएट हो जाती है, घर से ही होती है अपने आप। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए वो बड़े इंटेलिजेंटली और बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, अकलमंदी के साथ ट्रीट करें। सारे बच्चे एक जैसे हैं, एक जगह एक तारीफ कर दी, दूसरे को साथ उसको, बल्कि जो कमजोर है उसको ज्यादा साथ देना चाहिए, उसको ज्यादा पुश करना चाहिए, ताकि उसके कमजोर वो नहीं है, उसके अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है, बस थोड़ा सा पुशअप कीजिए, थोड़ा सा पॉलिश कीजिए, वो अपने ब्राइटेस्ट फ्यूचर की तरफ जरूर बढ़ेगा। इसी के साथ जाते जाते अगर हम अपनी एक लुक अपने ऑप्शन किचन में डाले, जो कि डिश आउट भी हो चुका है, फाइनल भी हो चुका है, और बड़ी मजेदार हमें खुशबुएं भी आ रही है, बस इसके बाद हम लोग रुख करने वाले हैं हमारे किचन का, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एंड तैयबा, इट लुक्स वेरी टेस्टी, वेरी यमी, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट। आप अभी हमारे पास अगर टाइम होता तो हम सर्व कराते, लेकिन अभी हम खुद जाके हमारे किचन में लेंगे। सो इट लुक्स वेरी यमी। नाज़रीन, इसी के साथ बहुत जबरदस्त मैसेजेस आप सबकी तरफ से, बड़े डिफरेंट वाइड एंगल्स और एस्पेक्ट्स की तरफ से हमें मिला, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका यहाँ पर आने के लिए। सो मेहनत जरूर कीजिए, लेकिन टारगेट बेस्ड कीजिए, और टारगेट अपने लिए होना चाहिए, अपनी सोसाइटी के लिए होना चाहिए, पॉजिटिव जाने की तरफ होना चाहिए, प्रोडक्शन प्रोडक्टिव होना चाहिए, ना कि किसी को गिराने के लिए, किसी की लेग पुलिंग के लिए, उस तरफ अपनी एनर्जी मत लगाइए, अच्छे काम की तरफ जाइए, आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। नाज़रीन, इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, इंशाल्लाह अगले दिन नए गेस्ट नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।